हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर वीरेंद्र विश्वकर्मा बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज मैं बात करने वाला हूं आपसे, अगर आप एक इंजीनियर हैं या फिर कॉन्ट्रैक्टर या फिर आप सॉफ्टवेयर पे वर्क करते हैं जो कि इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर या डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में, तो आपका जो लैपटॉप है वो कैसा होना चाहिए। मैं आज आपके लिए ये जो लैपटॉप है इसका फुल रिव्यू करूंगा। आपको मेरे से जितना, देखिए मुझे रिव्यू के बारे में इतना कुछ अच्छा आइडिया है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे जितना नॉलेज है मैं उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये लैपटॉप जो है ये कैसा है, क्या है, इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। और एक इंजीनियर का लैपटॉप कैसा होना चाहिए वो एक आप मुझसे थोड़ा सा जनरल समझ लीजिए। देखिए, अगर आप सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आप ऑटोकैड पर वर्क कर रहे हैं, आप 3DS Max पर, रेविट आर्किटेक्ट पर या गूगल स्केचअप वगैरह पर वर्क कर रहे हैं, तो देखिए इससे पहले एक चीज़ और समझ लीजिए आप। जो भी हम लैपी यूज़ करते हैं या फिर लैपटॉप, उसमें जनरेशन होता है और साथ ही साथ हम उसको कौन से जनरेशन का है इस तरह से लेते हैं, i3, i5, i7 और i9। जैसे कि अगर i3 है तो i3 को आप बेसिक तौर पर यूज़ कर सकते हैं अगर आपके जनरल वर्क हो रहे हैं, या फिर आप सिर्फ ऐसे ही ऑटोकैड वगैरह पे यूज़ करते हैं, वर्क करते हैं, ज़्यादा कुछ आपका खास वर्क नहीं है, तो आप i3 को ले सकते हैं और i3 को आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा वर्क नहीं है तो इतना ज़्यादा आपको उस पर खर्च करने से, यानी लैपटॉप पर खर्च करने से कोई भी मतलब नहीं है। सेकेंड, आपके पास अगर मान लीजिए i5 है तो आप i5 में देखिए, इस पर और एक चीज़ होती है, जो हमारा i3 i5 होता है इसी के साथ साथ ये जनरेशन होती हैं, जैसे हमारा 7th जनरेशन, 8th जनरेशन, 9th जनरेशन, ये उसका जो प्रोसेसर है उसको बताता है कि i7 प्रोसेसर है, लेकिन उसका अगर हम एक सब प्रोसेसर कहें या फिर उसकी जनरेशन कहें तो ये उस पर आ जाता है। इसके साथ साथ फिर इसमें रैम रोम होता है, ये जनरली आज के समय में एंड्रॉयड मोबाइल सभी यूज़ करते हैं, तो ये आइडिया है रैम रोम के बारे में, लेकिन ये जनरेशन के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूँ। i5 जो है उसमें आप ऑटोकैड यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप मैक्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, रेविट आर्किटेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी उस पर, लेकिन अगर आपकी रैम अच्छी है तो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पर कि आपका अगर i3 है तो 1GB मिनिमम ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए जिससे आप यूज़ कर सकते हैं मैक्स वगैरह भी, जिसमें प्रॉब्लम करता है i5 है तो भी आपको कम से कम जो आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ग्राफिक्स कार्ड मिनिमम 2GB होना चाहिए आपका, और जो रैम है आपकी 4 से 8GB होना चाहिए। i7 जो है तो आपका i7 में 2GB भी आएगा ग्राफिक्स कार्ड, और आपका जो है 4GB भी ग्राफिक्स कार्ड आएगा, 8GB मिनिमम रैम होना चाहिए आपकी। सफिशियंट है कि अगर आप फुल आर्किटेक्चरल वर्क करते हैं और आप अगर ऑटोकैड, 3D मैक्स और सभी सॉफ्टवेयर जो हैं बहुत अच्छे से चलाते हैं और आपका वर्क जो है ज़्यादा है और फास्ट हो, तो आपको i5 या i7 में से एक चूज़ करना चाहिए। जिसमें से मैं अगर सजेस्ट करूँगा तो आपको i5, अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप i5 ले सकते हैं, नहीं तो बजट आपका अच्छा है और आप वर्क बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं तो आपको i7 लेना चाहिए। मैं आज आपको अब बताऊँगा इसमें कि जो एक लैपी है जो कि मेरे पास है, मैंने अभी रिसेंटली परचेस किया हूँ, तो वो है i7 ओमेन, जो कि 4GB ग्राफिक्स कार्ड है TI, और साथ ही साथ इसमें 8GB रैम है, और जो भी है इसके बारे में आप देख लीजिए अभी क्या क्या है किस, तो हम देख लेते हैं इसका टोटल रिव्यू। तो ये है ओमेन का लैपटॉप यानी कि लैपी, और ये ओमेन के बारे में मैं बता दूँ आपको कि ये HP सीरीज का है, यानी कि HP में HP का एक ओमेन होता है, वो सीरीज़ है ये। देखिए जैसे अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या है, क्या कुछ खास मिलता है हमें, अभी तक मैंने भी नहीं देखा हूँ ये कुछ। इसका बारकोड वगैरह दिया हुआ है और जो भी उसकी गाइडलाइंस वगैरह रहती हैं वो सभी दी हुई होती है। ये इधर साइज उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बहुत सारा कुछ दिया रहता है, प्राइस वगैरह सब दी हुई होती है कि MRP कितना है। हम यहाँ पर देख लेते हैं और यहाँ से कर लेते हैं इसको ओपन। यहाँ पर ओपन का दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन हम इसे ना देखते हुए, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं, तो हम यहाँ पर ये ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है इसमें। अब यहाँ से ये ओपन होता है, यहाँ पर लॉग भी इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है,
और लॉग बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ से हम चलिए इसको कर लेते हैं ओपन, और ये हमने यहाँ पर कर लिए हैं इसको ओपन। अब ऊपर जैसे हम ओपन करते हैं तो हमें कुछ चार्जिंग वगैरह के लिए मिलता है, ये जिसपे चार्जिंग का कवर है, और ये ऊपर से एक कवर दिया हुआ है। इस कवर को हम कर लेते हैं अनबॉक्स, निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी एक ओमेन लिखा हुआ दिख रहा है आपको, और ये सिर्फ एक सेफ्टी पर्पस से या फिर पैकिंग पर्पस से दिया हुआ है ऐसा कुछ लगता है मुझे। तो इसमें भी ड्रैगन टाइप कुछ बना हुआ है उनका, ओमेन का सिंबल, बाय एचपी देख सकते हैं आप, ओमेन बाय एचपी, यानी कि एचपी की ये सीरीज है। और पीछे इसका मैनुअल दिया हुआ है, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है कि आप इसे कैसे चार्ज कर सकते हैं, किस तरह से आपको यूज़ करना है, और जो गाइडलाइंस लगभग सभी में दी हुई होती है वो है। लेकिन हम सीधा चलते हैं और देखते हैं अपना लैपी को। और उससे पहले ये देख लीजिए आप, चार्जर है ये हमारे पास, चार्जर भी बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है इनने, जो कि एक बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है कंफर्टेबल है, क्योंकि मैं इससे पहले भी बहुत सारे यूज़ कर चुका हूँ जिसमें मुझे लगा कि ये लैपी का जो चार्जर है वो बहुत ही अच्छा है। अब यहाँ से हम सीधा देख लेते हैं और इसको रख देते हैं अभी फिलहाल, और निकालते हैं हम अपना लैपटॉप। अब लैपटॉप निकालते हैं तो इसमें कवर तो वैसे बहुत अच्छा है और कवर बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है। इसको हम ओपन करके देखते हैं कि कवर अच्छा है और वास्तव में ये सेट भी अच्छा है या सिर्फ कवर ही बस इसका बहुत अच्छा है। तो इसको निकाल देते हैं और बाकी चलिए इसको हम साइड में कर देते हैं अभी फ़िलहाल तो, और देखते हैं भैया कि अपना लैपी है कैसा। और अब इसको देख लेते हैं हम ओपन करके, वैसे फीलिंग तो बहुत अच्छी आ रही है ऊपर से, क्योंकि पीछे साइड बहुत ही अच्छे तरीके से दिया हुआ है और कवर बहुत अच्छा है। यहाँ पर भी एक सेफ्टी पर्पज़ से दिया इसने रखने को कुछ, और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको ओपन। अब देखते हैं ये ओपन होगा। हमारा यहाँ से स्टार्ट, और अब विंडो 10 है इसमें, और उसके साथ साथ बाकी मैं प्रोसेसर वगैरह के बारे में बता चुका हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें। कीबोर्ड जो है इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है, और लाइट आप इसकी ऑन ऑफ भी कर सकते हैं फंक्शन के साथ। ऑलरेडी आपको F3 F4 दिया हुआ है, तो आप यहाँ से इसको लाइटिंग जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर उनने अपना ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बताया है कि आपका जो ग्राफिक्स कार्ड रहेगा वो कौन सा है, किस तरह से, इंटेल i7, और ये सभी लगभग जनरल सभी लैपी में ये आपको लिखा हुआ मिलता है, और यहाँ पर भी उसकी गाइडलाइन और ये सभी देता है सभी में, तो ये कोई नई बात नहीं है। बाकी इसका अगर जैसे चलाते हैं तो जो पैड है बहुत ही अच्छा है आपका, बहुत स्मूथ चलता है। ये देखिए आप, यहाँ पर ओमेन बराबर और सामने विंडो है आपकी, जो कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है हमें। अब जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं ये, और बहुत ही आप शानदार वे में देख सकते हैं कि इसकी लाइटिंग बहुत अच्छी दी हुई है। अब हम यहाँ से बाकी और यूज़ करके देखते हैं। Thank you.